ठीक नहीं आ रहा है। ये जिस व्यक्ति की तस्वीर आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बंसीलाल इनका नाम है, उम्र लगभग 60 के करीब है और आपको बता दिया जाए कि ये अपने घर से कल से ही लापता है। घर वालों का इनको ढूंढ ढूंढ कर जो है वो काफी बुरा हाल हो चुका है। घर वाले काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, इन्हें ढूंढ रहे हैं कल से ही, पर अभी तक इनका कोई भी पता नहीं चला है। पुलिस कंप्लेन कर दी गई है और पुलिस भी जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रही है, पर अभी आपको बता दिया जाए इन्होंने मीडिया का सहारा लिया है ताकि सोशल मीडिया पर ये फोटो तेजी से सर्कुलेट की जा सके और सर्कुलेट करने के बाद जो है वो इनका शायद कहीं पता चल जाए। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये व्यक्ति अपने घर पर दोबारा आ सके। दरअसल इन्हें जो है वो याद रखने में कुछ प्रॉब्लम होती है जिस वजह से ये चीजें भूल जाते हैं और हो सकता है कि अपने घर का एड्रेस भी भूल गए हो। घर वाले कल से ही इनकी तलाश लगातार कर रहे हैं पर अभी तक कोई भी पता जो है वो इनका नहीं चला है। आप लोगों से दरखास्त है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये अपने घर पर पहुंच सके। अब इनके बेटे हैं हमारे साथ, कब ये गायब हुए, क्या पूरा मसला ये भी जानेंगे। आपका क्या नाम? मेरा स्वरूप कृष्ण है। आप मुझे बताएं कि ये कब गायब हुए? ये मैम दरअसल कल 11:53 पे जो मेरा सीसीटीवी कैमरा अपना मेन रोड वाला है वहाँ हमने चेक किया तो 11:53 पे ये जा रहे हैं और उसमें क्या है कि इन्होंने एक ब्लैक कलर की चप्पल डाली है, एक पैर में व्हाइट कलर की चप्पल डाली हुई है। तो घर से जब निकले हैं तो आगे हमने एक कैमरा और चेक कराया जो मार्केट वहां पड़ती है हमारी, तो उसमें भी 11:56 पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आगे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं क्योंकि वहां चार रास्ते पड़ते हैं हमारे चौक में, एक जाता है सीधा अखनूर साइड, एक जाता है जम्मू वाली साइड और एक जाता है मल्लू में आगे पीछे, मतलब चौक है वहां क्लियर नहीं हो पा रहा कि किस साइड गए हैं वो, क्योंकि वो शुगर के पेशेंट है, भूल जाते हैं वो। जैसे बाहर कहीं भी निकलेंगे दुकान पे कहीं जैसे पैसे भी दे देंगे किसी को तो बकाया वगैरह लेता है, ऐसे छोड़ के आ जाते हैं। तो सभी से मुझे यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी भाई को अगर मिल गया हो हमारे पापा जी तो प्लीज हमसे कॉन्टेक्ट करें। आप मुझे बताएं कि नाम उनका? बंसीलाल जी हैं, तो मेरे फादर साहब हैं वो, तो हम परकू कैंप में रहते हैं। घर से मतलब अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए अगर कोई आपको कॉन्टैक्ट करना चाहे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7006174920, 7006174920, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप मुझे बताएं आपका पुलिस स्टेशन का कौन सा एरिया पड़ता है? हमारा पड़ता है मुठी धुमाना मेन पड़ता है हमारा। हाँ, हम रात को उधर भी गए थे फिर मॉर्निंग में हमने FIR दर्ज करवाई है उनके नाम पे। अगर किसी को भी अगर ये इनके पता चलता है, इनकी पहचान होती है, तो आप या तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में अपने पुलिस स्टेशन में संपर्क कर सकते हैं या जो इनका रिलेटेड पड़ता है जहाँ इन्होंने कंप्लेन दर्ज किया दमाना में कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप लोग हमारे चैनल्स पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वरना इन्होंने अपना कांटेक्ट नंबर भी जो है आपके साथ शेयर किया है। एक बार वीडियो आप दिखाएंगे और तस्वीर उनकी दोबारा से दिखाएंगे। आपको बता दें बंसीलाल इनका नाम बताया जा रहा है, उम्र लगभग 60 के ऊपर की होगी और ये वो सीसीटीवी फुटेज है जब वो घर से निकले, ये आपको दिखाएंगे हम। ये उसी एरिया की सीसीटीवी फुटेज है, ये जिस व्यक्ति को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये वही व्यक्ति हैं जो मिसिंग है, लापता है घर से। ये यहाँ से जाते हुए तो सीसीटीवी कैमरा में कैद किए गए हैं और उसके बाद जो है वो इनका कोई पता नहीं चला। ये तस्वीर आप लोग देख पा रहे हैं जी, ये उसके आगे की है जी, जी 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 ये दूसरे कैमरे की है जो हमारा परको कैंप का मंदिर है उससे आगे से। ये गुप्ता जी हैं जिन्होंने हमें दी है वीडियो, ये आगे आ रहे हैं, पापा सीधे आगे जा रहे हैं। आप देखें ये आपको दिख रहा होगा ये स्क्रीन पर कैमरे पर, आप देखें ये व्यक्ति यहाँ से चलते हुए आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप लोग जो है वो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आपको बता दें अगर आप में से किसी ने भी इन्हें देखा है कहीं पर भी, एक बार तस्वीर मैं दिखा दूंगी दोबारा क्लियर आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगी, अगर आपने इन्हें कहीं पर भी देखा है तो आप लोग प्लीज जो है वो कॉन्टेक्ट कीजिए। ये इनका तस्वीर है और इनका कहना है कि ये इसी तस्वीर के साथ, यानी कि जब ये घर से निकले तो उन्होंने इसी रंग के कपड़े डाले हैं, इसी तरह से थे जब ये घर से निकले। आप लोगों को अगर कहीं भी दिखाई देते हैं तो आप लोग भी जो जरूर है पुलिस को कांटेक्ट कीजिए या हमारे चैनल पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और इनके पिताजी को ढूंढने में इनकी मदद कीजिए। खबर को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, अन्य जानकारियों के लिए देखते रहे ऑल टाइम। कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।